अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज मैं आपके साथ CS411 वीएल प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 समर सेमेस्टर जो आपका ये स्टार्ट हुआ है प्रीवियसली, इसकी असाइनमेंट लेकर आया हूँ, जिसकी ड्यू डेट है 26 अगस्त और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। आइए हम देख लेते हैं कि असाइनमेंट के कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये डॉक या डॉक फाइल होनी चाहिए, यानी वर्ड की फाइल जो है वो सबमिट करवानी है, पीडीएफ या इमेज कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़, इसमें कॉपीड कंटेंट ना हो। कॉपीड कंटेंट ज़्यादातर जो अप्लाई होता है वो आपका थ्योरी पे अप्लाई होता है, जो आपका कोड होता है ना उसके अंदर ज़्यादातर वो कॉपीराइट का कॉपी का मसला नहीं आता। कोड आपने एज इट इज ही लिखना होता है क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम ही होती है सारे कोड की, लेकिन आपने बीच में जो रिक्वायर्ड होता है ना वो करना होता है चेंज। देखें, हम आगे उसको देखते हैं। इसमें असाइनमेंट में आपको सी शार्प की असाइनमेंट है, उसने कहा सी शार्प का कोड उसमें लिखना है, इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टीज, ये दो चीज़ें, दो तीन चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। आए हम असाइनमेंट को देख लेते हैं। असाइनमेंट के अंदर उसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है, वो कहता है आपने सी शार्प का वी एस स्टूडियो में एक प्रोग्राम कर लिखना है, जिसमें आपने पहले डिफाइन करनी है सेल पर्सन की क्लास, हर सेल पर्सन के अंदर नेम और सेल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगला टास्क है आपने क्रिएट करना है स्पेशलाइज्ड क्लास कॉल्ड सेलमैन, विच शुड बी इनहेरिटेड, जो कि इनहेरिटेड होनी है सेल पर्सन क्लास से। अब सेल पर्सन के अंदर एडिशनल प्रॉपर्टी है ID और जॉब टाइटल की, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है नाउ पुट योर क्लास इनटू द एक्शन में, अब उस क्लास जो आपने लिख ली है उसको एक्शन में लाना है। पहले आपने डिफाइन करना है एक मेन टेस्ट क्लास है, उस मेन के अंदर एक मेथड लिखना है, इनिशिएट करना है सेलमैन क्लास ऑब्जेक्ट को, और फिर सेट द प्रॉपर्टी फॉर सेलमैन इंस्टेंट, फिर सेट करनी है प्रॉपर्टी को। वंस यू हैव द प्रॉपर्टी, जब आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएंगी, प्रिंट आउट द डिटेल ऑफ सेलमैन ऑब्जेक्ट टू द कंसोल, जो भी आपके पास सारी डिटेल आ जाएंगी सेलमैन की वो आपने प्रिंट कर देनी है। सीचर के ये फीचर को लिखने के लिए आपने गेटर और सेटर यूज़ करने हैं, प्रॉपर्टी ऑफ बोथ सेलमैन एंड सेल पर्सन के लिए, सेल पर्सन की क्लास के लिए, ठीक है। इसमें जो रिक्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन है, आपने अपना नाम अपना ही यूज़ करना है और VUID भी अपनी यूज़ करनी है। मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ और कोड में आपको बता देता हूँ और कहाँ पर आपने VUID जो है वो अपनी और नाम कहाँ पर लिखना है, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। दो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसमें नंबर 1 चीज़ जो रिक्वायर्ड है, आपने स्क्रीनशॉट ऑफ आउटपुट हेयर, आपने स्क्रीनशॉट लगाना है, साथ अपना कोड जो है VS Studio में जो लिखा होगा वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। आइए हम कोड को देख लेते हैं VS Studio में। ये आपका कोड है, ठीक है, ये गेटर और सेटर फंक्शन लिखे हुए हैं नेम के लिए, उसके सेल पर्सन क्लास में, उसके बाद सेल मैन की क्लास सेल पर्सन से ये इनहेरिटेंस हो रही है, यहाँ पर इनहेरिटेंस लगी हुई है, इसमें भी गेटर और सेटर यूज हुए, और इसके अंदर आपके पास SID और जॉब टाइटल एक एडिशनल उसने बताया था कि आपके पास 2 होने चाहिए, 2 कंस्ट्रक्टर लिखे हुए हैं दोनों के, सेल मैन और सेल पर्सन दोनों के, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है। अब आगे उसके बाद है, उसने कहा है मेन क्लास मेन लेनी है, उसके अंदर हमने सेलमैन उसको एक इनिशिएट कराना है, एक सेलमैन जो हमने उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, जो कि आपकी यहाँ पर वैल्यू होगी, यहाँ पर आपकी अपनी VUID का न्यूमेरिक डिजिट आएगा। उसने कहा है कि साथ अगर BC MC या MS या कोई और भी लिखा हुआ है तो वो नहीं लिखना, सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट लिखना है। सेल मैनेजर आप यहाँ पर कुछ भी चेंज करके अपनी मर्जी से सेल मैनेजर लिख सकते हैं, ये इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अपनी सैलरी को भी जो है सॉरी सेल है ये आपकी जितनी भी है सेल है, ये अपनी मर्जी से यहाँ पर वैल्यू लिख लें, यहाँ पर 3000.00 लिख दें, जो आपका दिल करता है अपनी मर्जी से लिख दें। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है कोड के अंदर, ये चीज़ याद रखनी है, आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ये रन करेंगे तो ये देखें सेलमैन डिटेल, आपका नाम आ जाएगा, सेल आ जाएगी, उसके बाद SID आ जाएगी, जॉब टाइटल आ जाएगा, ठीक है।
जॉब टाइटल आप अपनी मर्जी से सेल मैनेजर लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसको करने के लिए आपको VN स्टूडियो इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। VN स्टूडियो आपको कहाँ से मिलेगा? VN स्टूडियो आपको आपके जो सब्जेक्ट है ना CS 411, इसके डाउनलोड सेक्शन में जाएं, आपको वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट VN स्टूडियो 2012 मिल जाएगा। मैं भी 2012 ही मैंने डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि इससे जो लेटेस्ट वर्जन है वो ज़्यादातर लैपटॉप और कंप्यूटर पर वो चलता ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट के पास SSD नहीं होती, मॉडर्न लैपटॉप नहीं होते, तो वो कम स्पीड वाले, कम प्रोसेसिंग वाले लैपटॉप होते हैं। उनके लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि आप 2012 वाला VN स्टूडियो यूज़ करें, ये थोड़ा सा जो है वो कम रिक्वायरमेंट लेता है। ठीक है, आपने उसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपके पास एक ये ओपन ही होगा, आपके पास एक फ्रेश VN स्टूडियो ओपन होगा। उसमें आपने फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, प्रोजेक्ट पे जाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपने ये कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपने कंसोल एप्लीकेशन 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, जो भी अगर आपका 1 होगा, अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो यहाँ 1 लिखा होगा। यहाँ अपनी मर्ज़ी से नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नाम लिख के ओके कर देना है। ठीक है, वो वाला कोड सारा यहाँ ला के आपने टाइप करके और उसको कंपाइल कर लेना है। अपना नाम और अपनी VU ID उसमें लाजमी लिखेगा, नहीं तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा। जो कोड आपको मैंने दिखाया है वो आप दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से ओपन करके। ये कोड है, सेल पर्सन की क्लास है, सेल मैन की क्लास है, उसके बाद ये एक मेन क्लास है। ठीक है, ये सिर्फ है, बीच में आप कमेंट जो लिखे हैं वो लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते हैं तो आप SGT छोड़ सकते हैं, आपको कोई वो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है आपको, सिर्फ आपने इसको कॉपी करना है कोड को, यहाँ पर ला के आपने पेस्ट कर देना कोड को, और ऊपर आपने इसको रन करके ये माइट बी पॉसिबल। वो रीज़न है कि उसका जो वो आउटपुट है वो शो नहीं हो रहा, बहरहाल वो आपके पास शो होगा, कोई इशू के बगैर आपके पास शो होगा। ये दोबारा भी ये स्टूडियो स्टार्ट करना पड़ेगा। समटाइम जो है इसके, ये भी चीज़ आप नोट कर लें, समटाइम ऐसा भी होता है कि इसके अंदर जो कंसोल एप्लीकेशन को आप जब रन करते हैं ना तो वो रन सही से नहीं होती, उसके अंदर एरर आ जाता है, वो आउटपुट आपको शो होते साथ ही बंद हो जाता है। इसको आप इंटरनेट पर सर्च करके आप इसको करेक्ट कर सकते हैं कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, आपने इधर स्क्रीनशॉट लगा लेना और इधर अपना कोड नीचे लिख कर इस फाइल में अपनी ऊपर VU ID इधर टॉप पे ID लिख लें। ठीक है, आपने यहाँ पर आकर अपने टॉप पर ID लिख कर आपने अपना जो स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिया, कोड पेस्ट कर दिया, उसके बाद आपने इस फाइल को डॉग फाइल को अपलोड कर देना। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 थी समर सेमेस्टर की CS 411 VL प्रोग्रामिंग की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।